1948 से पहले का नक्शा अगर देखें फिलिस्तीन का, इसराइल का कोई वजूद नहीं था, इसराइल बोल के कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, कोई देश नहीं हुआ करता था। जिस तरह से अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया लड़ाई करे, पूरी दुनिया के अंदर में वार हो और उनका मुल्क आर्म्स एंड एवलरी बेचे और तमाम दुनिया में सप्लाई करे, सौदागर अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और मासूम लोगों की हत्या हो रही है, मासूम लोगों की जान जा रही है, चाहे वो मासूम बच्चे मासूम औरतें इसराइल की हो, चाहे मासूम बच्चे मासूम औरतें और निहत्ते लोग फिलिस्तीन के हो, सभी के लिए पूरी दुनिया हमदर्दी के साथ खड़ी है। यही वजह है कि हम फिलिस्तीन के हक में हिंदुस्तान की सरजमी कलकत्ता से खड़े हैं। ये मुसलमान का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत का मामला है। जिनके आपने हकूक छीने हैं, जिन पर आपने नरसंहार किया है, जिनके जमीन को आपने कब्जा किया है, आज जिस तरह से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, पानी बंद कर दिया है, दवा बंद कर दिया है, हॉस्पिटल बंद कर दिया है, बिजली काट दी गई है, राशन को सप्लाई बंद कर दिया गया है, ये नरसंहार है। याद करो यहूदी भाई, जिस दिन तुम्हें यूरोप ने इस तरह से नरसंहार किया था, तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर तुम्हारा सपोर्ट किया था, तुम्हें पनाह दी थी उसी फिलिस्तीन के लोगों ने। आज उसी फिलिस्तीन के लोगों पर तुम जुल्म कर रहे हो। ये जुल्म कभी रुकेगा नहीं, ये जुल्म कभी झुका नहीं सकता। आज जो लोग लड़ रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं, अपने इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। ये जो है आलमी मसला है और आलमी मसले के अंदर में आपको याद करना होगा, जब आप फिलिस्तीन की तारीख को आप जब समझेंगे तो ये समझ में आएगा, जब ये ज्यूज को यहूदियों को वर्ल्ड वार टू में जब पूरे यूरोप से इनका कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो पूरी दुनिया ने, पूरे यूरोप ने इनको पनाह नहीं दी थी। यहाँ तक के होलोकॉस्ट हुआ था, जेनोसाइड किया गया था ज्यूज के खिलाफ और नरसंहार हुआ था। पूरी दुनिया में 90 लाख यहूदी उस वक्त थे और 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। हिटलर ने, नाजी जर्मनी ने इस तरह का कत्लेआम मचाया कि आज तक इतिहास में इसकी दूसरी मिसाल नहीं पाई जाती। दुनिया के अंदर में यहूदियों को चुन चुन कर मारा गया, 60,000 यहूदियों का कत्लेआम हुआ, गैस चैम्बर में उनको डाल दिया गया, उनको लाइन से खड़ा होकर हाथों में पाँव में कील ठोक कर उनका जो है एक तरफ से गोलियों से छलनी छलनी कर दिया गया। जब यहूदियों को कोई पनाह नहीं दे रहा था तो यही फिलिस्तीन था, यही मुल्क था जिन्होंने हाथ बढ़ाकर यहूदियों को अपने मुल्क में पनाह दिया और रहने के लिए दिया। ये याद करना होगा, मुसलमान हमेशा मजलूमों के साथ रहती है, मुसलमान हमेशा मजलूमों को अपने गले लगाती है, और ये इतिहास गवाह है, ये तारीख चीख चीख कर आवाज़ दे रही है। आज वही फिलिस्तीन मजलूम है, वही फिलिस्तीन आवाज़ दे रहा है, तमाम इंसानियत को झिंझोड़ रहा है, तमाम लोगों को आवाज़ दे रहा है। उनके मुल्क में आकर उनको पनाह दिया, उनके साथ रिश्ते कायम किए, उनके साथ शादी ब्याह हुआ, और आपको याद है 1948 में अमेरिका ने सबसे पहले डिक्लेयर किया इसराइल को। आप 1948 से पहले का नक्शा अगर देखें फिलिस्तीन का, इसराइल का कोई वजूद नहीं था, इसराइल बोल के कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, कोई देश नहीं हुआ करता था। वर्ल्ड वार टू में, वर्ल्ड वार वन में आप नक्शा को देखें, 1948 में जब अमेरिका ने एक तरफा डिक्लेयर किया, सबसे पहले अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद तमाम यूरोप के देशों ने तस्लीम किया, लेकिन अगर किसी ने नरसंहार किया यहूदियों का तो यूरोप के लोगों ने किया। स्पेन में हुआ, रोम में हुआ, जर्मनी में हुआ, नरसंहार हो रहा है, उसके बारे में आज फिलिस्तीनियों के हकूक को छीना जा रहा है, उनके मुल्क पर कब्जा किया जा रहा है। आज 1948 के बाद का जो नक्शा आप देखेंगे फिलिस्तीनियों का, आज जो नक्शा है 2023 का फिलिस्तीनियों का नक्शा, आप गाजा पट्टी, गाजा सिटी और वेस्ट बैंक, ये फिलिस्तीनियों को हिस्से में मिला है, और तमाम जो हिस्से हैं इसराइल ने कब्जे कर लिए हैं, इसराइल ने दखल कर लिए हैं। इससे ही साबित होता है कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है। इसराइल जुल्म कर रहा है
कि फिलिस्तीन के लोग जुल्म कर रहे हैं। इस जंग में अमेरिका के भूमिका को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अमेरिका हमेशा जिस तरह से अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया लड़ाई करे, पूरी दुनिया के अंदर में वार हो और उनका मुल्क आर्म्स एंड एवलरी को बेचे और तमाम दुनिया में सप्लाई करे। आप देख लें, तारीख गवाह है कि पूरे यूरोप में कहीं अभी जंग नहीं छिड़ा हुआ है। अगर कहीं जंग छिड़ा हुआ है, चाहे यूक्रेन और रशिया का जंग हो, वो भी मिडिल ईस्ट के अंदर में है, और आज फिलिस्तीन और इसराइल में जो चल रहा है वो भी मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, सौदागर अमेरिका है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, और मासूम लोगों की हत्या हो रही है, मासूम लोगों की जान जा रही है, चाहे वो मासूम बच्चे मासूम औरतें इसराइल की हो, चाहे मासूम बच्चे मासूम औरतें और निहत्ते लोग फिलिस्तीन के हो, सभी के लिए पूरी दुनिया हमदर्दी के साथ खड़ी है। यही वजह है कि हम फिलिस्तीन के हक में हिंदुस्तान की सरजमी कलकत्ता से खड़े हैं और ये आवाज़ यहाँ से उठा रहे हैं कि जिनका जो हक है, जिनकी जो ज़मीन है, पूरी दुनिया को बैठ कर, यूएनए को बैठ कर इसको हक के साथ फैसला करें, और जिन लोगों को जो तस्लीम करना है वो तस्लीम कराएं। अगर किसी भारत में ही कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं इसराइल का, पूजा पाठ कर रहे हैं कि इसराइल की जीत होनी चाहिए। देखिए, जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं या जो लोग इसराइल की हिमायत में खड़े हैं, उनको कह देना चाहता हूं कि यहूदी हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते। अगर हमसाया हिंदुओं का अगर कोई है तो मुसलमान है हिंदुस्तान में। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में 40 करोड़ के लगभग है तो हिंदू भाई 80 करोड़ के है। अगर हिंदू भाइयों का हमसाया अगर कोई है तो मुसलमान है। अगर हिंदू भाई का कोई बाल भी बाका करेगा तो सबसे पहले मुसलमान भाई खड़ा होगा। इस देश में अगर कोई लाल आंख दिखाएगा तो सबसे पहले मुसलमान खड़ा होगा इस देश को बचाने के लिए। ये समझ लेना चाहिए, आज पूरे मिडिल ईस्ट में करोड़ों हिंदू भाई रोजगार पा रहे हैं तो मुस्लिम देशों में पा रहे हैं। मुसलमानों देश के वजह से आज हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम भी रोजगार पा रहे हैं। आज इतनी बड़ी रोजगार अगर कोई दे रहा है तो मुसलमान दे रहा है। मुसलमानों देश के अंदर में मुसलमानों के यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मांग क्या है आप लोग? देखिए, हमारी मांग है इंसानियत, सबसे बड़ा मजहब है इंसानियत के लिए। ये मुसलमान को आप मत जोड़े, ये मुसलमान का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत का मामला है। जिनके आपने हकूक छीने हैं, जिन पर आपने नरसंहार किया है, जिनके ज़मीन को आपने कब्जा किया है, आज जिस तरह से उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है, दवा बंद कर दिया है, हॉस्पिटल बंद कर दिया है, बिजली काट दी गई है, राशन को सप्लाई बंद कर दिया गया है, ये नरसंहार है। याद करो यहूदी भाई, जिस दिन तुम्हें यूरोप ने इस तरह से नरसंहार किया था तो मुसलमानों ने आगे बढ़कर तुम्हारा सपोर्ट किया था, तुम्हें पनाह दी थी उसी फिलिस्तीन के लोगों ने। आज उसी फिलिस्तीन के लोगों पर तुम जुल्म कर रहे हो। ये जुल्म कभी रुकेगा नहीं, ये जुल्म कभी झुका नहीं सकता। आज जो लोग लड़ रहे हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बगा के लिए लड़ रहे हैं, अपने इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई को हम समझते हैं ये इंसानियत की लड़ाई है, और इंसानियत की लड़ाई हमेशा हक पे होती है, और हक की लड़ाई हमेशा आवाज़ बुलंद रहती है। आज चंद लोग एक बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो लोग एक ग्रुप है, एक समूह है जो लोग लड़ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया का मुसलमान इसराइल को मिटाना चाहेगा तो इसराइल की धरती पर एक भी यहूदी बाकी नहीं रहेगा। एक यहूदी मरता है तो 1000 मुसलमान मरेगा, उसके बराबर है। मैं ये कहकर जा रहा हूँ, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी दो अरब है, और 2 अरब की आबादी और यहूदी की आबादी 1 करोड़ के बराबर भी नहीं है। हम अगर यूँ ही लड़ने चले जाएँ तो पूरा इसराइल नस्तनाबूद हो जाएगा।